नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने कर कमरों से किया। इन कार्यों का उद्घाटन होने से विकास कार्यों की झड़ी अम्बाला छावनी में लग गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने कुल 3,70,00,000 रुपए की लागत से विभिन्न धर्मशालाओं, पार्क, बैडमिंटन हॉल, व्यायामशाला और सड़कों के उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। प्रातः से शुरू हुए विकास कार्यों के उद्घाटन कार्यक्रम दोपहर को संपन्न हुए। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर गृह मंत्री अनिल विज का क्षेत्र की जनता की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। कहीं उन्हें फूल मालाएं पहनाई गईं तो कहीं फूलों की बरखा उन पर की गई। इस दौरान विशेष तौर पर बुजुर्ग महिलाएं एवं अन्य ने विकास कार्य करवाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज का हार्दिक धन्यवाद किया। लोगों ने कहा कि दशकों से अम्बाला छावनी को विकास की दरकार थी, मगर अब गृह मंत्री अनिल विज की बदौलत विकास की बयार बह रही है और इसका जनता को भरपूर लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुल 3,70,00,000 के कार्यों का, जिनमें धर्मशालाएं, पार्क, बैडमिंटन हॉल, व्यायामशाला का उद्घाटन किया गया है। कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन अलग अलग स्थानों पर किया गया है और इनका अम्बाला छावनी के निवासियों को भरपूर लाभ मिलेगा। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।